हे गाइस, दिस इज़ मी अमन एंड वेलकम टू यूट्यूब 360। आज आपसे मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। यूट्यूब पर एक एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। उनके द्वारा एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर स्टेट पीसेस एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ऐसा करते हो कि जैसे पॉलिटी कोई सब्जेक्ट लिए तो पॉलिटी का पहले तो डेली बेसिस पर आधा घंटा एक घंटा के वीडियोज़ बनाते हैं। देन इसके बाद जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसका कंपाइलेशन वीडियो जो कि करीब 30 से 40 घंटे जो भी उसका ड्यूरेशन बने उसको अपलोड कर देते हैं। उसका नाम वो पापा वीडियोस करके देते हैं। तो ऐसे वो हर एक सब्जेक्ट के लिए वो वीडियो रिलीज करते हैं। तो उनके द्वारा एक क्लेम किया जाता है कि हमारे वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, यानी क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वीडियो से आते हैं। वो तो YouTube पर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे, काफ़ी लोगों ने बनाए थे कि जो उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है वो काफ़ी गलत बात है ये, और इतने सारे मैक्सिमम क्वेश्चन तो आ नहीं सकते हैं, या फिर आते भी हैं तो इतने बड़े वीडियोस को देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे बताता हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं उनके उनके जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि जो वो वीडियोज़ बनाते हैं वो किसी भी बुक को उठाते हैं और उसको लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके पूरा उसको ख़त्म करते हैं। तो अभी बात कर लिया जाए अगर लक्ष्मीकांत की, अगर बुक की, तो लक्ष्मीकांत के बुक से हर साल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अगर 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 14 क्वेश्चन उनके बुक से आ जाता है। तो अगर कोई इंसान अगर चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन चीज़ों को अगर कवर करता है, पूरे बुक को पढ़ा देता है, तो पूरी संभावना है कि वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हुई कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी बात, क्या इस इतने बड़े वीडियोस को पढ़ पाना पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ऐसा करते हो कि अगर जो वीडियोज है उसको 2 टाइम स्पीड से अगर देखते हो, अगर मान लीजिए अगर मैक्सिमम अगर वीडियो की लेंथ अगर 45 घंटे है, जो कि सारे वीडियोज़ की मुझे नहीं लगता होगी, तो 45 घंटे अगर वीडियोज अगर 2 टाइम स्पीड से अगर देखते हो आप, तो कितना पड़ेगा? 22.5 घंटे। 22.5 घंटे में आप पूरी बुक को ख़त्म कर सकते, यानी आपको 2.5 दिन करीब लगेगा। अगर डेली बेसिस पर अगर अगर आप देते हो 8-8 घंटा करीब अगर देते हो, तो 2.5 घंटे, 2.5 दिन में आप ये ख़त्म कर सकते हो। तो अगर लक्ष्मीकांत की अगर बुक को अगर आप खुद अगर पढ़ोगे तो 2.5 दिन में आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप ये करके देख लेना। अगर आप कर भी लेते हो तो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते जितना अच्छे तरीके से वीडियो देख कर आप समझोगे, क्योंकि आप जब रीडिंग करोगे तो आप रीडिंग करते हुए पीछे का चीज़ें नहीं देखते हो। आप जल्दी जल्दी रीड करते हुए चले जाओगे तो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, और जो पॉलिटी जैसा जो सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट होता है, या ज्योग्राफी हुआ, तो ये समझने वाली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली थोड़ी ये सब्जेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप लोग इसे अगर 2 टाइम स्पीड से देखते हो तो इसे देख पाना बिल्कुल पॉसिबल है। आप एज अ रिविज़न वीडियोज करके आप लोग देख सकते हो। रिविज़न करते वक्त आप लोग वीडियो को देख सकते हो। जैसे मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई काम वाम करते वक्त मैं इसको देख लेता हूँ, कर सुन लेता हूँ। आप लोग अगर बिगिनर हो, आपने अभी पढ़ाई की शुरुआत ही की है, तो आप लोग, मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इनके जो वीडियोज़ हैं उनको आप फुल स्पीड में करके एक बार पूरा ख़त्म कर दो। देन इसके बाद अपना बुक का रीडिंग करो, तो आपके कॉन्सेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी होगी। क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपना बात करूँ तो मैंने विजन आयास से क्लास लिया था, तो अगर पॉलिटी को मैंने जो पढ़ा था, पॉलिटी की क्लासेस लिया था, तो करीब 90 आवर का उनका क्लासेस था, 90 आवर का क्लासेस था, ये कहें कि 100 आवर के आसपास था, क्योंकि 33 के करीब उनका लेक्चर था। तो 33 लेक्चर के मतलब 100 से ज़्यादा घंटे मैंने इन्वेस्ट किए थे अपने पॉलिटी को सीखने के लिए, और मुझे लक्ष्मीकांत से ज़्यादा कुछ मुझे सीखने को नहीं मिला। तो वो सारी चीज़ें आप अगर 40 से 45 घंटे इन्वेस्ट करके अगर सीख सकते हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि बुक तो आपको पढ़ना पड़ता है, बुक तो पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि क्योंकि सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक टॉपिक पर डाउट्स रहता है। तो आप लोग वो स्पेसिफिक टॉपिक पर जाकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, रिविज़न कर सकते हो बार बार। तो इन 2 पॉइंट पर मैंने आज आपसे डिस्कशन किया। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा था जो कि लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये जो पापा वीडियोज़ है वो अच्छा नहीं है। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा यही कि इतना मेहनत करके इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। कोई किसी ने मेहनत किया तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हर किसी चीज़ का पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैंने इस चैनल पर अपने
साइंस एंड टेक की जो बुक है रवि अग्रहारी सर की, उसको मैंने यहाँ पर शुरू, आप चाहो तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। पॉलिटी की जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं या फिर क्लासरूम से जितनी भी चीज़ें मैंने क्लासेस वगैरह करके मैंने सीखी हैं, जितना मैंने खुद पढ़ के सीखा है, मैं पॉलिटी या साइंस एंड टेक दोनों की क्लासेस यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर चाहो तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।